उन ओपनिंग उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी गिरा तो यहाँ पे गाइस निफ्टी फिफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकता है एंड बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के प्रोडिक्शन में डिस्कस आपके साथ करूँगा कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट डिस्कस करना है क्यूँ मैंने अभी वो जो लॉन्ग टर्म सीरीज है वो मैंने अभी बंद रखा है बिकॉज इट इज नॉट द करेक्ट टाइम टू बाई इसके लिए निफ्टी फिफ्टी रेगुलर आपको क्या करना है निफ्टी में आपको अगर आप निफ्टी में काम करते हैं ऑप्शन में तो निफ्टी में आपको लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है कल के लिए क्या लेवल्स बनेंगे बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो बैंक निफ्टी के लेवल्स अलोंग विथ फाइव इंटरडे स्टॉक्स ये आज से स्टार्ट होगा एंड अब तक ये तब तक चलेगा जब तक नया कोई ट्रेंड सेट नहीं होता मार्केट में लॉन्ग करने के लिए तो यहाँ पे प्रेजेंटली मार्केट में कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रेड यहाँ पे है नहीं बिकॉज मार्केट एक ऐसे रेंज पे है जहां पे एकदम क्लियरली पंद्रह हजार खुला है यहाँ से तो वहां तक भी निफ्टी ड्रैग हो सकता है बात करेंगे उसके बारे में फिवराची रिट्रेसमेंट करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का उसके बाद मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जो कल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे अगर गैप डाउन हुआ गैप अप हुआ कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है अलॉन्ग विद फाइव इंटरडेड स्टॉक्स तो स्टॉक्स में आपको कौन से लेवल्स होंगे जहां पे आपको एंट्री लेनी है एक्सिट लेनी है देखिए आज का जो प्रीमियम ग्रुप कॉल था निफ्टी सोलह हजार सात सौ का जो पुट हम लोगों ने बाय कराया था लगभग नाइनटी में वन थर्टी एट का हाई लगाया देख लीजिए आप यहाँ पे कितने बजे को मैंने यहाँ पे कॉल दिया था 952 का मेरा कॉल था निफ्टी 16700 का पुट जहां पे एक मेरे को दिख रहा था क्लियरली निफ्टी एक रेंज में ही चल रहा है वहां से भी और सेल ऑफ दिख सकती है तो ऐसे श्योर शोर्ट गाइडेंस के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा प्रीमियम प्लस ग्रुप तो यहां पे प्रेजेंटली 148 पेड मेंबर से प्रीमियम प्लस ग्रुप के तो अगर आपको ज्वाइन करना है नाइन एट जीरो फोर सेवन फाइव सेवन सिक्स डबल वन एक ही नंबर है फिनोस्टैट का व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए आपको प्रीमियम ग्रुप के डिटेल्स मिल जाएंगे आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको भी ऐड कर दिया जाएगा जैकपॉट प्रीमियम ग्रुप में जहां पर देखिए रेगुलरली यहां पे क्लाइंट्स इनकम कर रहे हैं रेगुलरली शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हैं मार्केट नीचे हो ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको यहां पे पैसा बनते हुए दिख रहा है देखिए रेगुलरली टू ये उन लोगों के पोर्टफोलियो है उन लोगों का पोर्टफोलियो है जिन लोगों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है इंटरडे में काम करना तो इंटरडे में जो बिगिनर्स है वो लोग का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूं तो लगातार एवरी वन इज अर्निंग एंड आपको भी अगर मार्केट से रेगुलरली पैसा कमाना है विद प्रॉपर गाइडेंस यहां पर हम लोग कब खरीदना है कब बेचना है आपको पूरा गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं देखिए यहाँ पे जब आपको प्रॉफिट बुक करना हुआ तो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया सेफ ट्रेडर्स एंड बिगिनर्स बुक प्रॉफिट्स तो यहाँ पे निफ्टी में मैंने 116 पे बुक करने को कहा था हालांकि निफ्टी और भी ज्यादा ऊपर गया तो ऐसे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ऑन टाइम लाइव मार्केट में आपको मिलता है तो ऐसे गाइडेंस के लिए आपको जरूर संपर्क करना चाहिए नाइन एट जीरो फोर सेवन फाइव सेवन सिक्स डबल वन व्हाट्सएप में एक ही नंबर है टेलीग्राम या व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए हाई हेलो भेजिए आपको डिटेल्स मिल जाएगा एंड नीचे स्टॉकेज का आपको लिंक मिलेगा जो तो स्टॉकेज अगर आपको डाउनलोड करना है इफ यू आर न्यू टू स्टॉकेज अगर आपको सेल्फ एनालिसिस करना है तो स्टॉकेज कर लेंगे आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कीजिए मेल आई को वेरीफाई कीजिए यूज माई कोड फिनोस हंड्रेड स्टॉकेज प्रीमियम इज एप्सली फ्री फॉर यू गाइज फॉर अ मंथ तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए निफ्टी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ अभी निफ्टी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुका है ऑलरेडी तो यहाँ पे वीकली कैंडल में आप देख सकते हो ये एक वीकली टाइम फ्रेम है मैं यहाँ पे ऑलरेडी फीब रिट्रेसमेंट जो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ऑलरेडी इस पर कर करके रखा है तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव रिटर्न्स पे एक निफ्टी जा रहा है यहाँ पे ऑलरेडी 0.78 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है निफ्टी में तो यहाँ पे सपोर्ट देखिए कौन सा ब्रेक किया इसका जो गोल्डन रेशियो था जो बन रहा था लगभग थर्सडे को बना था गोल्डन रेशियो सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड के करीब जो ये इस, इसका जो गोल्डन रेशियो बन रहा था वो भी ब्रेक किया उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डोजी बनाया निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में आज देखिए गैप डाउन है कहां तक निफ्टी ड्रैग हुआ तो ये जो सपोर्ट था मेजर जो सपोर्ट था सत्रह हजार एक सौ पे 17,100 थाउजेंड वन हंड्रेड का सपोर्ट ब्रेक किया रीजन दो है इसके पीछे एक तो अपना यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो है सेवन पॉइंट फाइव दट इज फोर्टी ईयर्स हाई चालीस साल के हाई रेंज पे है यूएस इन्फ्लेशन ये एक रीजन है देखिए इंडियन इन्फ्लेशन को जितना भी गवर्नर साहब कहें कि उसको कंट्रोल कर लेंगे बहुत अच्छी बात है लेकिन आप अगर फॉरेन फंड्स का जो फ्लो देखोगे इंडिया में दैट इज मोर देन 65 बिलियन डॉलर्स तो वहां से अगर आपका यहाँ से अगर सेल ऑफ आएगी सप्लाई आएगी तो कौन सा ऐसे डी आई है जो उसको उस माल को खरीदेगा तो इसको जरा समझिए एंड आपके पास कितना पैसा है जो वो सेल ऑफ को आप पूरा कंज्यूम एबजॉर्ब कर सकते हो तो पूरा लॉजिकली सोचने की बात है जब यूएस इन्फ्लेशन लाइफ टाइम हाई पे हो 7.5 का यहाँ पे 2 परसेंट बॉन्ड में क्लोज हुआ इयर्स ईयर्स यहाँ पे 2 परसेंट में क्लोज हुआ तो ये क्लियरली ग्रीन फ्लैग है ग्लोबल मार्केट्स के लिए एंड दूसरा रीजन इज यूक्रेन एंड रशिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देखिए रशिया ने अभी इसका यूक्रेन का पूरा बॉर्डर के आसपास पूरा एकदम मिलिट्री ट्रूप से पूरा भर दिया इसके चलते यूक्रेन ने पूछा है सवाल रशिया से क्यों क्यों आपने पूरा देश के अंदर बाउंड्री में पूरा ट्रूप से भर दिया तो इसके लिए एक मीटिंग बुलाया है अर्जेंट मीटिंग आप देख सकते हो यूक्रेन सीक्स मीटिंग विद रशिया विद इन फोर्टी एट आवर्स टू डिस्कस बिल्डअप तो यहाँ पे अगर रशिया एंड यूक्रेन का जो ये वॉर है ये अगर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा ग्लोबल मार्केट्स को तो ये आपको समझना है एंड यूएस इन्फ्लेशन इन दोनों के चलते आपको मार्केट्स में अभी बिकवाली ही दिखेगी तो मार्केट्स में बहुत ज्यादा कॉशियस रही है मैं आपको फिर से कह रहा हूं निफ्टी का जो ये सपोर्ट था 17,100 का जो सपोर्ट बन रहा था अगर लॉन्ग टर्म में निफ्टी को 18,000 19,000 20,000 जाना था तो सत्रह का रिस्पेक्ट करना चाहिए था लेकिन निफ्टी ने उसके नीचे आया एंड कंटिन्यूसली हम लोगों ने देखा मार्केट में एंड होते साथ साथ भी मार्केट गिरा मतलब एक ही टाइम मार्केट सेफ है स्टेबल है वो है अभी अभी मार्केट बंद है अभी मार्केट आपको स्टेबल दिख रहेगा जो सपाट तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सत्रह हजार छह सौ के लेवल्स खुल जाते हैं कल के लिए उसके नीचे गिरा तो सत्रह हजार सोलह हजार छह सौ उसके बाद सोलह हजार पांच सौ उसके नीचे निफ्टी आया तो खत्म है कहानी इसी हफ्ते के अंदर आपको निफ्टी सोलह हजार तीन सौ के लेवल्स भी टच करते हुए दिखेगा जो आपका एकदम मोटा मोटा यहाँ पे एक परसेंट रिट्रेसमेंट पूरा पूरा तो का वन परसेंट होता है यहाँ पे देखिए सोलह हजार तीन सौ छप्पन में रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है निफ्टी का वन परसेंट तो ये अगर होता है तो आपको फिर भी यहां से एक रूम खुला हुआ है कि आप यहाँ से पुट बाय करके जैसे हम लोगों ने सत्रह सोलह हजार सात सौ का पुट बाय किया फ्राइडे को हम लोगों ने सत्रह हजार तीन सौ का पुट बाय किया तो ऐसे पुट बाय करके आपको निफ्टी में पैसा कमाना है इफ ऑप्शन बायर अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो कॉल को बेच के आप पैसा कमा सकते हो निफ्टी में कल के लिए क्या अहम लेवल्स होंगे देखिए कल के लिए मैं निफ्टी का लेवल बता देता हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे इंटरडे स्टॉक्स के बारे में जो कल आपको इंटरडे में कहां पे एंट्री लेनी है कहां पे इसको सेल ऑफ करना है बिकॉज जो भी मैक्सिमम स्टॉक है मैक्सिमम स्टॉक यहाँ पे सेलिंग साइड पे ही है अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है लेवल्स भी ऐसे मैंने निकाल के लेके आगे वो जो आपको प्रॉपर हेल्प करेगी पैसा बनाने में तो वीडियो में बने रहिए निफ्टी के लेवल्स में अभी बता देता हूं कल के लिए जो निफ्टी देखिए टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं फॉर एनालिसिस यहां पे देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है तो निफ्टी में अभी आपको सिर्फ डाउनवर्ड लेवल ही दिखना चाहिए फिर भी कल अगर कोई भी रीजन के चलते गैप अप भी ओपन होता है वहीं पे शॉर्ट कीजिए निफ्टी को पहला पंद्रह मिनट का कैंडल आप देख लीजिए उसके बाद आपको शॉर्ट करना है निफ्टी इंपॉर्टेंट शॉर्ट रेंज होगा सोलह हजार नौ सौ सोलह हजार आठ सौ पचास सोलह हजार आठ सौ ये तीन रेंज आपको शॉर्ट करना है नीचे के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे सोलह हजार सात सौ चालीस सोलह हजार सात सौ एंड सोलह हजार छह सौ तो ये तीन नीचे के टारगेट्स हो जाते हैं अगर निफ्टी आपको सोलह के करीब गैपअप होते हुए दिखे 50-60 पॉइंट अगर बहुत ज्यादा गैपअप हो गया 200-300 पॉइंट तो आपको इंतजार करना है प्रॉपर लेवल्स के लिए बिकॉज निफ्टी जब भी 17,100 को पार करेगी निफ्टी में एक रिवर्सल का भी संकेत यहाँ पे बनेगा तो फिलहाल जो मेरा जो इसका अनुमान है देखिए निफ्टी यहाँ से सोलह नौ सौ के करीब कल ओपन होना चाहिए वहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर जोर से गिरेगा मार्केट नहीं यहाँ पर आपको मैंने नीचे के लेवल्स बता दिए तो जब भी निफ्टी आपको सोलह हजार नौ सौ के करीब दिखे सोलह हजार आठ सौ सोलह हजार सात सौ सोलह हजार 850 ये तीन पुट में आप काम कर सकते हो या तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हम लोग रेगुलरली पैसा कमा रहे हैं आप अगर फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किया हो तो वहां पे आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा कि रेगुलरली हम लोग कैसे पैसा बना रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर आप ज्वाइन कर जाइए मार्केट ओपन होने से पहले जो भी इंटरड स्टॉक्स में आज सजेस्ट करूंगा कल मार्केट ओपन होने से पहले उन सारे स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा विथ लेवल्स ताकि आपको हेल्प हो जाए लेवल

छह सौ तक फिसल सकता है जैसे मैंने आपको आज ही बता दिया तो यहाँ पे निफ्टी आपको तभी शॉर्ट करना जब निफ्टी आपको 16,900 के करीब रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखे एंड 17,100 की तरफ नहीं बढ़े तो वहां पर आप फ्यूचर्स भी शॉर्ट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,100 निफ्टी को आपको बेचना है 16,900 में एंड अगर सोलह हजार नौ सौ के करीब अगर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखे तो निफ्टी को वहीं पे आपको कॉल अगर आप बायर हो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पुट बाय करना है यहाँ पे निफ्टी का 16900 या फिर 16800 16700 अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड रिस्क एपिटाइट आप इन कॉल्स में एंट्री ले सकते हो सॉरी पुट्स में तो यहाँ पे पुट्स में एंट्री लीजिए 16800 हजार या तो 16700 का एंड वेट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ सिक्सटीन तो सोलह का कल के लिए मेरा लेवल्स बनेगा एंड आई होप अगर ऐसे चलता रहा तो निफ्टी बहुत जल्दी आपको सोलह हजार के लेवल्स भी दिखा देगा बिकॉज इसका जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो इसने सपोर्ट लिया था दिसंबर को वो बहुत ज्यादा अभी दूर रहा नहीं सिर्फ 400 पॉइंट दूर है वहां से वो अगर टूट जाता है तो 16,000 15,500 ये दो लेवल्स भी आपको निफ्टी में दिखेंगे इन द शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक्स में निवेश अभी मत कीजिए बिकॉज पहले ये जो ग्लोबल पॉलिटिकल जियो जो टेंशन है उसको दूर होने दीजिए यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है उसको पहले काम डाउन होने दीजिए फिर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है अगर फेड ने और भी टाइटनिंग की अपनी पॉलिसी फेड अगर फेड रिजर्व ने अगर अपनी मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो और टाइट की तो यहाँ पे मार्केट्स और गिरेगा तो उसका कैसे रिलीफ पैकेज निकलता है वो देखना बहुत जरूरी है तो उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट बनता है कोई भी स्टॉक में चलिए बात करते हैं पहला इंडेड के बारे में जो कल मार्केट में सेल कर सकते हो पहला स्टॉक है आईटीसी आईटीसी को आपको सेल करना है 230 235 के ऊपर बहुत अच्छा लगता था आईटीसी पर अभी बिल्कुल भी इंटरेस्ट इसमें रहा नहीं तो आईटीसी को आपको बिकवाली करना है आईटीसी में यहां पे आपको बेचना है आई के आसपास तो टू 30 के आसपास आपको यहाँ पे बेचना है देखिए कल अगर आई टी सी गैप अपन होता है तो वही पे आपको सेल करना है 224 भी अच्छा रेंज बनेगा सेल करने का बट 230 थर्टी इज द परफेक्ट रेंज तो 230 के आसपास बेचिए 234 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 227 224 एंड 220 ये तीन टारगेट्स के लिए आपको आईटीसी में कल फिर से बिकवाली करनी है यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं 219 का इसको ध्यान मत दीजिए कल आई जब भी आपको टू थर्टी के आसपास दिखे उसी लेवल पे आप सेल कीजिए वही बेस्ट लेवल बनता है बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ पे है टू थर्टी के आसपास तो कल शायद ये नीचे जाए तो ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए पहले ही बिकॉज यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस पे बेचना है ना कि सपोर्ट पे तो सपोर्ट पे इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इसलिए मैंने आपको बाउंस बैक पे बेचने की राय दी है सेल ऑन राइस आई टी सी फॉर टुमारो जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील बहुत अच्छा लगता था लेकिन जिस हिसाब से गिरा है मेटल सेक्टर ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन तो यहाँ पे आपको जेएसडब्ल्यू स्टील को बेचना है करीब 630 के आसपास आपको बिकवाली करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील 636 का स्टॉप लॉस 627 623 एंड 618 ये तीन टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 618 निकल गया तो आज का जो लो है 603 का ये भी निकाल देगा 603 का जो लो है वो निकाल के सीधा 593 तक चला जाएगा जेएसडब्ल्यू स्टील तो बहुत ज्यादा पे आपको रिस्क रिवर्ड फेवरेबल है कल सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं स्टॉक लेके बिकॉज मार्केट का ट्रेंड एंड मूड बॉल सेंटीमेंट सब खराब हो चुका है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गिरते ही तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल को भी आपको कल बेचना है करीब सिक्स के आसपास बेचिए सेवन का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे मार्केट विल बी वॉलीटाइल तो स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा 686 का पहला टारगेट, 682 ये तीन टारगेट्स के लिए आपको कल बिकवाली करनी है भारतीय एयरटेल चौथा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा लगता था नाइन के लेवल्स पे लेकिन जिस हिसाब से इसमें रिवर्सल आई है मेरे को नहीं लगता ये रेजिस्टेंस लाइन को अभी ये पार कर पाएगा जिस हिसाब से रेजिस्टेंस को पार करके यहाँ पे ऊपर निकल चुका था अभी ये सपोर्ट को भी तोड़ चुका है तो आपको जैसे पता होगा जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस लाइन को कोई भी स्टॉक पार करता है तो दूसरे कैंडल पे उसका सपोर्ट बन जाता है तो रेजिस्टेंस लाइन को पार करते उसके बाद पाँच छह दिन बाद फिर से उस लाइन के नीचे आ जाना इसका मतलब स्टॉक में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से सप्लाई यहाँ पे चल रही है एंड सप्लाई को आपको कंटिन्यू रखना है कल के लिए बेचिए इं इंडसइंड बैंक इंड बी फाइव 945 में बिकवाली करनी है 954 का स्टॉप लॉस 35 और 925 ये तीन टारगेट्स के लिए आपको बिकवाली करनी है इंडस इन बैंक इंडिगो में देखिए इंटरग्लोब एविएशन में आपको करनी है बिकवाली टू वन डबल जीरो के लेवल्स में आपको करनी है बिकवाली इक्कीस सौ पचास का स्टॉप लॉस आपको लगाना है बिकॉज मार्केट विल बी वोलेटाइल विक्स यहाँ पे जो है इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई रेंज पे है तो मार्केट्स विल बी वॉलीटाइल यहाँ पे इंटरडे में जो भी बिगिनर्स है उनको एक ही सलाह आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए नहीं तो यहाँ मार्केट में सिर्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए बिकॉज ऐसे मूड माहौल ऐसे मार्केट में बिगिनर्स का सबसे ज्यादा पैसा का नुकसान यहाँ पे होता है प्रोफेशनल ट्रेडर तो यहाँ पे हेजिंग करके शॉर्ट करके पैसा बना के चला जाएगा पैसा आपका होगा नुकसान दिस इज फॉर द बिगिनर्स तो ये एडवाइस सिर्फ बिगनर्स के लिए है जो अभी नए नए मार्केट्स में आए हैं इक्कीस में बेची इंडिगो को इक्कीस का स्टॉप लॉस 2070, 2040 एंड 2010 अगर कल ये तीन टारगेट स्पीड तोड़ देता है नीचे की तरफ तो आपको सीधा इंडिगो 1900 तक जाते दिखेगा तो इंडिगो का फ्यूचर्स भी आप सेल कर सकते हो दैट विल बी माय सजेशन फॉर फ्यूचर ट्रेडर्स तो यहाँ पे पांच इन इंटरडेड स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया जिसमें आपको सिर्फ बिकवाली करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील आई भारती इंडस्ट इंडिगो तो यहाँ पे पांचवी सेक्टर कमजोर है यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है बिकॉज चार परसेंट निकल गया बैंक निफ्टी एक ही दिन में तो बैंक निफ्टी में आपको फ्रेश ब्रेकडाउन तभी दिखेगी जब छत्तीस के लेवल को ये क्रॉस कर दे जब छत्तीस भी तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने उसके नीचे आपको छत्तीस का सपोर्ट बनता है छत्तीस भी तोड़ दिया तो छत्तीस उसके नीचे चला गया तो मिनिमम यहां तक जाना चाहिए छत्तीस हजार चार सौ चौदह तो ये तीन टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बनता है कल के लिए थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड पे अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी यहां से भी आपको पांच सौ पॉइंट की मंदी मैंने आपको बोल दिया कल ये आ सकता है अगर यहाँ पे गैपअप हुआ तो अगर गैप डाउन हुआ आपको पंद्रह मिनट वेट करना है पंद्रह मिनट का कैंडल आपको फॉलो करना है फिर यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है अगर आपको फ्रेश मंदी करनी है नहीं तो अब देखिए रिकवरी अगर होता है मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर यूक्रेन के साथ अगर रशिया एक मीटिंग कर लेती है पूरा ये जो वार होने वाला है ये ये अगर सेटल हो जाता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे तो उसके साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये रिकवरी के लिए भी आपको दोनों साइड का मौका यहां पे जरूर मिलेगा तो स्टॉक्स में एंड इंडेक्स में अगर ऐसा कुछ होता है तो कल आप रिकवरी यहाँ पे आप रिकवरी ट्रेड के लिए भी देख सकते हो मिनिमम आपका जो लेवल बनेगा रिकवरी करने के लिए वो होगा आपका सैंतीस हजार दो सौ थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल निकल जाए तो थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी एंड थर्टी एट थाउजेंड ये तीन टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में बहुत तेजी से रिकवरी आएगी निफ्टी में सत्रह हजार एक सौ को अगर पार किया तो सत्रह हजार चार सौ तक ये जो गैप चोरा है निफ्टी ने ये गैप फिल कर देगा तो आपको देख के ट्रेडिंग करना है प्रोफेशनल हेल्प लीजिए ऐसे मार्केट में सिर्फ ऑब्जर्व का ही काम कीजिए ऑब्जर्वेशन के साथ आपको कुछ नहीं करना है पैसा आपका सिर्फ बर्बाद होगा मार्केट में लॉस होगा तो देख के ट्रेडिंग कीजिए दिस इज द बेस्ट एडवाइस फॉर द बिगिनर्स बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर एज मार्केट में बिगिनर्स क्या करें बिगिनर्स से भी ऑब्जर्व कर सकते हो एक्सपीरियंस ले सकते हो कि ऐसे भी होता है मार्केट में, एक, एक एक दिन में आपको चार चार परसेंट बैंक निफ्टी निकल जाता है तीन परसेंट निफ्टी निकल जाता है तो यह आपको एक्सपीरियंस के तौर पर लेना है बाकी जिसको प्रोफेशनल कॉल चाहिए रेगुलरली वन इज टू वन गाइडेंस के साथ पैसा कमाना है मार्केट से नाइन एट जीरो फोर सेवन फाइव सेवन सिक्स डबल वन नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है वहां से आप संपर्क कर सकते हो मैं पिन कमेंट्स में भी, भी नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप या टेलीग्राम में संपर्क कीजिए पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे नाइनटी सेवन परसेंट एक के साथ रेगुलरली हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कैश लेवल्स फ्यूचर्स लेवल्स फ्यूचर्स एंड लेवल, ऑप्शन में हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो गाइस आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही फिर मिलता है कल के नेक्स्ट वीडियो में